दोस्तों, स्वागत है आपका VKG ब्लॉक में। फिर से लाया हूँ आपके लिए एक हॉन्टेड स्टोरी जो कि हमारे एक भैया ने हमारे से शेयर करी है। अब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने गाज़ियाबाद में कहीं पर एक फ्लैट लिया था कुछ टाइम पहले, तो बहुत कम रेट में मिल गया था उनको। और उस फ्लैट में अभी लोग आना धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रहे थे, तो 8 फ्लोर की बिल्डिंग थी और उनका छठा फ्लोर था। छठा फ्लोर था तो छठे फ्लोर में वो अकेले थे और उसमें फ्लैट चार थे, चार में से एक में वो थे, तीन खाली थे, बाकी ऊपर नीचे फ्लोरों में तीन चार फैमिली रहती थी बस 8 फ्लोर तक। अभी धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो रहे थे तो कम रेट में मिल गया था और बहुत ही अच्छी जगह था और काफ़ी बड़ा भी था, तो खुशी होती है एक, तो सब खुश थे फैमिली वाले कि बहुत कम रेट में बहुत ही अच्छा फ्लैट मिल गया। तो हुआ ये कि जब वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं तो पार्टी शार्टी चली उनकी। एक रात तो पार्टी शार्टी चली, रिश्तेदार आए, यार दोस्त आए मिलने, एंजॉय हुआ और नया जो फ्लैट लिया था उसकी पार्टी करने लग गए। अब एक दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर 3 4 दिन बाद जब उन्होंने फिर से अपने फ्रेंड्स को बुलाया और पार्टी वार्टी करने के लिए, तो यार दोस्त आ गए सब घर पे पार्टी वार्टी करने, तो लेकिन उस फ्लैट की ये बात थी कि वहाँ पर लाइट बहुत जाती थी, बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी वहाँ पर, और लिफ्ट भी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा सुस्त सी, खुलने में बहुत टाइम लगाती थी, ऊपर नीचे जाने में बहुत टाइम लगता, तो ज़्यादातर लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। तो जब यार दोस्त पार्टी चल रही थी तो अचानक से फिर से लाइट चली गई, तो उनके लिए तो आम बात हो गई थी क्योंकि उनको हफ्ता हो गया था रहते हुए, तो इसलिए उन्होंने तो कैंडल वगैरह जला ली, तो यार दोस्तों की पार्टी ख़त्म हो गई। अब जैसे ही यार दोस्त नीचे उतरने लगे तो सब सबने कहा कि क्या नाम से लिफ्ट तो बहुत धीरे चलेगी, सीढ़ी से उतरते हैं, तो कुछ लोग तो ऊपर ही रह गए और दो फ्रेंड जो उसके थे वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे अंधेरे में और अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के वो नीचे उतर रहे थे। तो जब वो नीचे उतर रहे थे तो उनको लगा कि पीछे चल रहा है कोई, तो जो भैया के जो फ्रेंड्स थे तो उन्होंने भैया को फ़ोन लगा दिया, कह रहे भाई हमारे पीछे पीछे आ रहा, हमारे साथ में आ जाता। तो वो कह रहे मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मैं तो अपने फ्लैट में ही हूँ, मैं कहाँ पीछे आ, कह रहे मजाक मत कर यार। फिर वो अंधेरे में धीरे से टॉर्च उतार के फिर वो सीढ़ियों से उतरने लगे, एक दो फ्लोर उतरे, फिर उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है, तो फिर उन्होंने फ़ोन लगाया कि अरे भैया मजाक मत करो, आप पीछे ही आ रहे हो हमारे और डराओ मत हमारे को। तो भैया ने कहा अबे भाई मैं पागल हूँ क्या तुम्हारे पीछे अंधेरे में आऊँगा, लाइट वैसे नहीं है, मैं तो अपने फ्लैट में बैठा हूँ। कह रहा भी ठहर जाओ मैं, हम आपको नीचे चल के फ़ोन करते हैं। अब तीसरा फ़ोन जब उन्होंने भैया को करा, तीसरा फ़ोन जब भैया को रहा तो भैया अपने छठे फ्लोर की बालकनी में खड़े हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन करा फिर दोबारा, कह रहा भैया क्या नाम से, भैया देख लो आप फर्स्ट फ्लोर तक आए हो और उसके बाद आप ना उतरे नहीं हो नीचे, और सामने खड़े हैं हमारे सामने फर्स्ट फ्लोर पे, क्यों हमारे को डरा रहे हो। तो भैया ने कहा अरे भैया मैं छठे फ्लोर पे अपनी बालकनी में खड़ा हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे कहाँ से आ जाऊँगा मैं, तो कह रहे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करूँ, मैं अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता हूँ, आपको इशारा करता हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। अब उन्होंने छठे फ्लोर से अपने टॉर्च की लाइट वाइट जलाई अपने फ़ोन की और उनको दिखाया कि ये देखो मैं छठे फ्लोर पर हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हूँ। अब जो दोस्त थे उनको फर्स्ट फ्लोर पे कोई खड़ा हुआ दिख रहा है, खड़े हुआ उनकी छाया दिख रही है फर्स्ट फ्लोर पे। अब
भैया ने कहा तुमने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया, घर जाओ। अब जो दो दोस्त थे उनको डर तो लगा, लेकिन वो निकल गए वहाँ से। तो ऐसे ही फिर दोबारा एक बार जब पार्टी का प्रोग्राम हुआ तो उन दोस्तों ने मना कर दिया, कह रहे सर हमारा कंफर्टेबल फील नहीं होता उस वहाँ पर जाके, तो पार्टी कहीं और रखते हैं ये वो। तो इस तरह से उनको डर लगने लग गया उनके दोस्तों को। और कुछ दिन बीते, अब क्या हुआ, जो भैया थे उनका एक ड्राइवर था, तो जो जहाँ पर उन्होंने फ्लैट लिया था वहीं बाहर खड़ा होता था, गाड़ी में रहता था और सुबह आता था शाम को निकल जाता था। तो भैया ने उन्हें कुछ मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहा, तो वो मार्केट से सामान लिया है। और उन्होंने ना भैया को फ़ोन करा, कह रहे भैया आप ना नीचे आ जाओ, मैं ऊपर नहीं आऊँगा, आप ये सामान ले जाओ घर से। भैया ने कहा पागल है क्या, मैं आऊँगा सामान लेने नीचे, ऊपर आ जाए। कह रहा भैया मेरे को अच्छा नहीं लगता ऊपर आना, कह रहा जल्दी जल्दी ऊपर आ चल, कह रहा सामान का इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा मत कर। अब जो ड्राइवर था वो, उसे कुछ लगता होगा कुछ डर भर यहाँ पर। अब वो सामान लेके लिफ्ट की तरफ बढ़ा। अब जब लिफ्ट का उसने दरवाज़ा खोला, बटन दबाया, तो लिफ्ट खुली है और एक लेडीज जिसका मुंह परली तरफ था, पीछे पीछे करके खड़ी हुई थी और पीठ सामने की तरफ। तो ड्राइवर को लगा कि शायद ये कोई फ्लोर में ऊपर आई है लेडीज़, चलो कोई नहीं ये जहाँ जा रही जाए मैं अपना छठे फ्लोर पे रखता हूँ। अब उन्होंने जैसे देखा कि छठे फ्लोर का बटन दबा हुआ है, तो उनको लगा कि शायद भैया की कोई कोई होगी रिश्तेदार मिलने आई होंगी, तो शायद ये ऊपर ही जा रही क्योंकि छठे फ्लोर पे तो वही है, वो छठे फ्लोर का बटन दबा हुआ है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और लिफ्ट बंद हो गई और वो छठे फ्लोर पर धीरे धीरे पहुंच गए। अब ड्राइवर पहले साइड हो गया, लेकिन वो लेडीज़ थोड़ी सी स्पीड में थी, वो जो भैया का घर जो फ्लैट था उससे अगला जो रूम था, जो अगला फ्लैट था, वो उसके पास जाके खड़ी हो गई। अब ड्राइवर ने भैया के घर का दरवाज़ा खटखटाया और सामान देने के लिए बेल बजाई, तो वो जो लेडीज थी वो जो अगले वाला जो फ्लैट था उसने बिना दरवाज़ा खोले वो उसके आर पार हो गई। अब ड्राइवर जी की तो हालत ख़राब। अब जैसे भैया ने दरवाज़ा खोला उसने सामान भैया के हाथ में दिया और बिना लिफ्ट लिए वो सीढ़ियों से सीधे नीचे उतर गया और कार में जाके बैठ गया और भैया को फ़ोन मिला दिया उसने। कह रहा भैया आज के बाद मेरे को मत बोलना कि मैं आपके ऊपर आके कुछ सामान ला के दे दूँ, अगर कुछ सामान मंगाना तो मैं यहाँ तक लाऊँगा ऊपर नहीं आऊँगा। भैया कह रहे तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तू हमारे यहाँ पर काम करता है, अगर तेरे को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे काम करने के लिए। अब ड्राइवर की तो हवा ख़राब। अब वो बताए ना कि भैया मैंने ऐसा ऐसा कुछ देखा, तो उसने बोला भैया आप जो मर्जी कर लो मैं ऊपर नहीं आऊँगा अब। तो वो कह रहे भैया तेरे को हटाना पड़ेगा फिर, कह रहे भैया मेरे को हटा दो लेकिन मैं ऊपर नहीं आऊँगा। अब जो भैया थे वो गुस्से में आ गए, वो कह रहे ठहर मैं अभी आता हूँ नीचे। अब वो नीचे उतर के आए और उससे बोला कि हाँ भाई बात क्या है, तू ऊपर आने के लिए क्यों मना कर रहा। तो उसने बोला भैया मेरे को ना कंफर्टेबल फील नहीं होता, और अभी जब मैं आया था एक लेडीज़ आपके छठे फ्लोर तक आई है और आपके जो अगला वाला फ्लैट है उसमें बिना दरवाज़ा खोले वो आर पार हो गई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो कह रहे हमारे साथ वाले फ्लैट में तो कोई है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ, सिर्फ हम ही रहते हैं, तो उसमें वो कहाँ से जाएगी। कह रहा भैया मैं झूठ नहीं कह रहा और मैंने साफ साफ देखा है। तो कह रहे पागल तेरा कोई वहम होगा ये वो। तो वो कह रहा भैया मेरा वहम नहीं है, मैंने रियल में किसी को देखा है और जो आर पार हो गई।
भाई अगर चल पागल मत बनाइए वो, चल ठीक है तू अपना टाइम से घर जा, कल टाइम से सुबह आएगी, कल बात करते हैं। अब जो भैया थे वो कह रहे बेकार का ड्रामा मचा रखा है इसने। तो अब जो भैया थे उन्होंने देखा कि चलो मैं लिफ्ट से निकलता हूँ पैदल, पैदल पैरों में दर्द था उनके, तो कह रहे मैं लिफ्ट से निकलता हूँ। अब जैसे ही उन्होंने लिफ्ट प्रेस की है तो वही लेडीज़ पीछे मुड़ के खड़ी है, पीछे मुड़ के अगर खड़ी है तो उन्होंने बटन प्रेस करा है, दरवाज़ा खुला है और वो लेडीज़ खड़ी है। फिर वो देखे कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, लेडीज़ खड़ी है कोई अच्छा नहीं लगता, तो वो कह रहे चलो इनको जाने दो, मैं बाद में आ जाऊँगा। लिफ्ट बंद हो गई। फिर उनको लगा कि यार ये लिफ्ट एक तो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इसी में चलता हूँ। दोबारा बटन प्रेस कर दिया। अब वो दरवाज़ा खुला है, जो वो लेडीज़ अंदर नहीं थी, एक छिपकली पड़ी हुई थी, छिपकली थी वहाँ पर। अब उन्होंने देखा कि भाई ये छिपकली कहाँ से है, तो वो सीढ़ियों से, वो कह रहे मैं इसमें से नहीं जाऊँगा, मेरे से नहीं जाया जाएगा, मेरे को डर लगता छिपकली से। उन्होंने सीढ़ी का रास्ता पकड़ लिया। अब जब वो अपने घर तक पहुँचे हैं फ्लैट तक, तब उनको याद आया कि अरे यार वो लेडीज़ कहाँ गई, क्योंकि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो लेडीज़ अंदर थी, दोबारा मैंने दरवाज़ा खोला तो लेडीज़ थी नहीं, ना तो वो ऊपर चढ़ी, नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कह रहा वो गई कहाँ। तब उनको थोड़ा सा डर लगा कि ड्राइवर जो कह रहा था वो एकदम ठीक कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर भैया अपने घर में अंदर आ गए। अब जो भैया की जो वाइफ है उनसे पूछा कि आपको यहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है, तो उनकी वाइफ ने कहा कभी कभी मुझे अजीब सा लगता है और कुछ आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन फ्लैट खाली पड़े हैं तो शायद आवाज़ गूंजती होगी, तो इस वजह से हल्का फुल्का एहसास होता है जैसे कुछ गड़बड़ है। तो भैया ने तो देख लिया अपनी आंखों से, अब वाइफ ने ये बता दिया। फिर उसकी वाइफ ने एक चीज़ बताई कि अपनी जो बच्ची है छोटी वाली, वो खिड़की की तरफ देख के उन्हें इशारे करती है कुछ, और जब मर्जी कहीं भी खड़ी हो जाती है और हाथ से इशारा करती रहती है, जैसे कोई खड़ा हुआ है उससे बात कर रहा है या उसे देख रहा है। फिर जब उसकी माँ पूछती है कि क्या हो गया कौन है, चुपचाप खड़ी हो जाती, कुछ नहीं बोलती, गुमसुम रहने लगी। तो भैया कह रहे अच्छा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसी कुछ बात है। मैं बोला कि मेरे को लगा नॉर्मल है, बच्चे ऐसे करते होंगे। तो भैया कह रहे चलो देखते हैं। अब क्या हुआ, एक दिन उनकी जो वाइफ थी वो अपने मायके चली गई बच्चों को लेके, भैया अकेले थे। अब भैया अकेले बैठ के घर पर ड्रिंक कर रहे हैं। अब रात का टाइम था तो एक दो ही पैक पी होंगे उन्होंने, तो उनको किसी के हंसने की आवाज़ आई, जैसे तीन चार लोग बैठ के हंस रहे हैं। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कमरे जो खाली थे, वो कह रहे ऐसे कैसे आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। अब उन्होंने क्या करा, खिड़की से खोल के देखा कि शायद कोई नीचे तो नहीं खड़ा, कोई हंस रहे हों, कुछ लोग खड़े हों। तो दूर चौकीदार जो था, वो एक दो चौकीदार जो ग्रुप बैठ जाते हैं वैसे बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि शायद ये इन्हीं की आवाज़ होगी, तो उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया और वो बैठ गए। अब जब वो बैठ गए वहाँ पर, तो लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हुई, तो उन्होंने फिर से खिड़की से झाँक के देखा। अब वहाँ पर चौकीदार भी नहीं थे, वो सब निकल गए थे। तो थोड़ा परेशान तो वो हुए, लेकिन वो बैठे रहे कि शायद मैं ड्रिंक कर रहा हूँ इस वजह से कुछ मेरे को वहम हो रहा है या कुछ सुनाई दे रहा हो। अब थोड़ी देर बाद में उनको दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आई, और फिर वो दरवाज़ा खोल के उन्होंने बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था, वो घर में अंदर आ गए। फिर दोबारा नॉक करने की आवाज़ आई, वो फिर गए।
फिर दरवाज़ा खोल के देखा, फिर कोई नहीं था। अब की बार वो वहीं खड़े हो गए कि अब की बार दरवाज़ा बेल बजेगी, दरवाज़ा खोल दूँगा। जैसे ही बेल बजी उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर कोई नहीं था। अब बाहर कोई नहीं था तो अच्छी तरह उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और फिर वो दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गया। तो अब उनको कुछ डाउट हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है यहाँ पर। तो जब अगले दिन उनकी वाइफ जब घर पे आई तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो सबने ये फैसला करा कि किसी बाबा या हकीम को, किसी को बुलाया जाए और घर की शुद्धि करी जाए, घर की शुद्धि करी जाए। तो बाबा बाबा आए, उन्होंने घर पर देखा उनका, तो उन्होंने ये बताया कि कह रहे जब ये घर बन रहा था तब यहाँ मजदूर थे कुछ, जिनकी मौत हो गई थी यहाँ पर। तो जिस घर में आप हो उस घर में उनकी मौत हुई थी, जिस घर में आप हो उस घर में उनकी मौत हुई थी। और तुम्हारे आने के बाद जब तुम यहाँ आए हो तो तुमने उनका घर छीन लिया, तुमने उनका घर छीन लिया। तो आपको जो सात वाला फ्लैट है वो उसमें चले गए। लेकिन वो तुमसे गुस्सा है, वो इसलिए तुमको तंग कर रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलो। और जो बाबा या जो आए थे तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा ढीठ आत्मा है और यहाँ से जाएगी नहीं। उन्होंने बहुत प्रयत्न करे, उन्होंने बोला कि यहाँ से जाएगी नहीं और ये उनका घर है और तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो ये यहाँ से जाएगी नहीं। और अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी और कोई भी अनहोनी तुम्हारे साथ हो सकती है। तो हमारी राय यही है कि जितना जल्दी हो सके ये फ्लैट बेच दो, वरना आपके परिवार के लिए खतरा ये है, क्योंकि वो अपनी जगह तुमको नहीं देंगी। और अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं इतना, अगर वो अपनी पे आ गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो। तो भैया और ने हार के जब उनसे सारे दरवाजे बंद हो गए उनके लिए, तब उन्होंने उस फ्लैट को बेचने का फैसला करा। तब उन्होंने वो फ्लैट बेचा। अपने परिवार के लिए सब कुछ सबको करना पड़ता है। तो ये स्टोरी उन्होंने शेयर करी थी हमारे से कि घर तो बहुत अच्छा था लेकिन जो चीज़ें दिखती नहीं है उनसे कैसे लड़ा जाए। और जो आत्माएं होती है बहुत पावरफुल और ताकतवर होती है, आम इंसान उनसे लड़ नहीं सकता। और जो ऐसी आत्माएं होती है ढीठ, जो अपनी जगह पक्की कर लेती हैं, वो अपनी जगह छोड़ती नहीं अपना स्थान। और बहुत टाइम से वो वहाँ पर थे लेकिन जब ये लोग आए तो धीरे धीरे और भी लोग आना स्टार्ट हो गए। तो उनको लगा ये लोग सबसे पहले हैं जो यहाँ पर आए थे और इनकी वजह से ही सब लोग यहाँ आने लगे हैं, तो वो आपको तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए भलाई तुम्हारी इसी में कि आप ये फ्लैट छोड़ दो और कहीं और देख लेना। तो भैया ने ये स्टोरी हमारे से शेयर करी थी और स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। जय श्री राम।